बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से ये बात आती है। वैसे शिक्षक जो कभी बच्चे थे आज बड़े हो गए विद्यार्थी हैं, तो उनके साथ असमंजस की स्थिति ये हो जाती है कि महादेव गुरु का कार्य करने के साथ पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करती हूँ तो डर लगता है महादेव ना छूट जाए। महादेव की ओर चलती हूँ तो डर लगता है कि पढ़ाई कैसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। देखो बाबू, विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हम भी विद्यार्थी रहे, बात है साफ। विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, और जहाँ तक महादेव गुरु और पढ़ना है, रांची में बारिश हो रही है। देखो, मैं छठा क्लास में था ना, तब से साधना जगत में घुसा हुआ हूँ। मेरे पिताजी अफसर थे जमुई में, उससे भी पहले से घुसा हुआ। क्या पढ़ाई नहीं की मैंने। पहली बार कमीशन में बैठा तो इंडियन पुलिस सर्विस में आया, बाद में बैठा तो बिहार में डिप्टी कलेक्टर हो गया। पढ़ा नहीं क्या, बिना पढ़े होंगे आप? कई काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम करिए मनोयोग से करिए, मन से करिए, समय निर्धारित कर लीजिए। मैं शासन में था और महादेव का काम किया कि नहीं, मैंने उसी पीरियड में किया ही किया। रात तो मिलती थी ना 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, उसी में करता था। ये बहाना नहीं चलेगा कि पढ़ेंगे कैसे आप महादेव का काम। आप पढ़िए, पढ़े छोड़िए महादेव का। महादेव का काम महादेव करता है, हम लोग खाली दिखते हैं। हम लोग कोई वैल्यू तैल्यू नहीं है, हम लोग कोई कीमत नहीं। हम लोग झूठो सीना फुलाते हैं, एक बटन खोल के रखते हैं कि हम महादेव का काम किया। हाँ, उस जिला में हम ही तो हिले हैं, हम ही शुरू किया है। ये सब धपोरसंखी है। करते हैं महादेव, दिखते हैं आप, हम आप कुछ नहीं करते। इसीलिए महादेव से दया मांगो और पढ़ाई करो। ये बहाना नहीं चलेगा, महादेव का कोई से होगा तो पढ़ाई कैसे होगा। मत महादेव का बंद करो, पढ़ाई करो। अब महादेव का काम क्या है ये हमको बता दो। महादेव को प्रणाम कर लेना है भैया, कोई मिले तो गप कर लेना है कि हम भी शिव को गुरु मानते हैं, आप ही मानिएगा भाई साहब। मान लिया तो अच्छा है, अच्छी बात बतानी चाहिए। ई अगर कहेगा ई या ई, हम कहेंगे पहले पढ़ाई कीजिए। आपने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इस दुनिया में जहाँ चारों ओर दर्द और पीड़ा है, वहाँ ऐसा बनना, रहना और जीना क्या आसान है? कृपया मार्गदर्शन करिए। हमने एक पंक्ति और कही है, रहो इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया के हो के नहीं रह जाओ। कैसे तो है लिखा है, लिखा जी, है, जी, है, है। इस दुनिया में रहो, रहना ही है। हम लोगों के लिए बनी है तो रहेगा कौन, दूसरा कोई इंसान रहेगा ही ना। रहो यहाँ, लेकिन यहाँ के हो के मत रह जाओ। जहाँ होइएगा ही कष्ट का कारण बनेगा। ये जब मेरा शब्द है ना, जहाँ होगा कि मेरा है, बस आपके कष्ट का कारण बनेगा ही। इसीलिए निष्प्रिय रहो, भोगो इसको, लेकिन इससे जुड़ो मत। गाड़ियां हैं, चलो उस पर, उसको जहां अपना समझे ढेर, वो कष्ट दे देगी गाड़ी तुमको। क्या था समझ? ये बनो तो, हाँ बनो तो शिव, यानी मस्ती में रहो, जो काम है मनोयोग से करो, परिणाम आएंगे। महादेव से दया लो, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव को कभी देखे मुंह बनाया हुआ? हम लोग तो एक दो गुरु भाई सामने आता है मेरे यहाँ, साला अगर आप देख लीजिएगा ना,
ओह पानी तक पीने का मन नहीं करे, मुंह ऐसा छुछुंदर ऐसा बना के आएगा और छुछुंदर जैसा बना के जाएगा कि मत पूछिए। अरे सर मुँह छुछुंदर जैसा कल्पना में मस्ती से रहो, खाना मिल ही रहा है, पानी मिल ही रहा है, व्यवस्था है ले है, तो छुछुंदर जैसा मुँह काल बनाऊंगे तो बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव, ठीक तो लिखा मैंने, मैं क्या कह दूँ, रो तो रोते रहो, पीड़ा दर्द में चिल्लाते रहो, ऐसा लड़ो उससे, जिंदगी में कहाँ खराब सड़क नहीं मिलती है, हर जगह मिलेगी, सवारी बढ़िया रखो उतो चलो, मैंने शिव की सवारी ढूंढ लो, शिव से जुड़ जाओ, हो जाएगी जिंदगी, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव शिष्यता में सहायक तीन सूत्र हैं, इन तीन सूत्रों में क्या पहला सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है? तीन सूत्रों में पहला सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या पूछा है, कौन कह रहा है, नाम मत बताओ। पहला सूत्र क्या है भाई साहब? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर, यही ना जी। आपका कोई परिवार है, वो बेटा हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, उसको मेरा समझ में मत कीजिए, आप रिश्ता रहेगा, आप अपने पिता को पिता समझ में मत कीजिए, संबंध रहेगा, पत्नी को पत्नी समझ में मत कीजिए, मेरा संबंध रहेगा नहीं। तो शिव गुरु को अपना समझ में नहीं कर रहे, संबंध रहेगा तो कौन सी नमः शिवाय कर रहे हैं, कौन सी गुरु चर्चा कर रहे हैं, फालतू बात है, अपना समझने की कोशिश तो करिए भाई, कठिन है, मैं भी जानता हूं कठिन है, चर्चा आसान है, गप करना आसान है, लेकिन अपना समझना कठिन है। अभी बारिश हो रही है ना, आप लोगों के चप्पल अगर पानी में भींग रहे होंगे तो कलेजा कैसा आपका कट रहा होगा ये हम पूछते हैं, काहे दूसरे की चप्पल से काहे नहीं कलेजा कट रहा है, अपनी चप्पल भींग रही है तो काहे ला इतना परेशान है आप, मेरी चप्पल है तो शिव मेरे गुरु हैं, यही ने लिखा हुआ है जी। और सवाल कर रहे हैं तीन सूत्र में पहला सूत्र इम्पोर्टेंट कैसे है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, पागल है क्या यार, बीवी को अपना बीवी समझने ही नहीं रहे हो, कहते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कहा समझना पड़ेगा, पहले अपना समझना पड़ेगा, और जहां अपना समझे आप सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर शिव को अपना समझे आप, अगर मन में आ गया कि मेरे गुरु हैं, तो दया भी मांग लीजिएगा, चर्चा भी हो जाएगी, मैंने आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, उनको अपना तो मानिए, सवाल ही बेवकूफ़ी वाला, तीन सूत्र पहला तो पहला नंबर कह दिया गया, कोखो का जान ही नहीं, डिक्शनरी खोलिएगा हिंदी का, पहला सूत्र है तो आपको दे, पहला सूत्र मैंने, पहला सूत्र एक नंबर गेरे में गाड़ी उठेगी भाई,